लिखाई सु समझदारी सु काम करता, देश के हित में काम करता है, तो परिवारवाद में भी कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक, अगर आदमी सही काम करता, अगर गलत करता तो गलत। अब मान लीजिए कोई, मान लीजिए इनमें से दोनों में से कोई सा होता, ठीक, उसका पिता भी अच्छे काम करता, बेटा भी, तो हम उसका थोड़ी विरोध करते। तो पूरे के पूरे निकम्मे भरे पड़े, कबाड़ा भर रहा सारा। मोदी जी कह रहे पहले महिलाएं डरती थी बाहर जाने में, लेकिन अब अपराधी थर थर कांप रहा है। अच्छा, अपराधी थर थर कांप रहा। जब बलात्कार हुआ भी बुलंदशहर में लोधी समाज की बेटी का, जब हुआ बलात्कार, अगर वो थर थर कांपता तो हाथरस जब कांड हुआ था ना, तो तभी थर थर कांपता, अगर ये ईमानदारी से अपना काम करते। ठीक, मुँह के आगे मैदान पड़ा, कुछ कह लो। कह रहे पहले की सरकारें तिजोरी भरने का काम करती थी, खेल क्या करती थी, खत्म कर दिया हमने सब। अच्छा, इन्होंने क्या करा जो देश को ये हाथ खड़े करके नु कह रहे हैं कि रोजगार ना देवे हम, हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। क्या इन्होंने क्या करा देश पे, इतना कोरोना काल में फंड आया, ठीक, लोगों ने इतनी मदद करी, संपत्ति इन्होंने बेची और देशों से कर्जा इन्होंने ले लिया, हमारे देश पर कर्जा करवा दिया, इतना जीडीपी कहां जा रही है माइनस में। ठीक, इन्होंने उस पैसे का क्या करा, इन्होंने क्या करा, बेरोजगारी इतनी फैला दी, इन्होंने क्या करा, इनसे पूछ करती। कह रहे कि 2 साल अगर कोरोना काल ना होता तो हम उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को विकास की ओर ले जाते, बढ़िया काम होता। अच्छा, जो ये कोरोना काल में कैप प्लांट लगवाए इन्होंने उत्तर प्रदेश में, देश की तो बात छोड़ दो, पुरानी संस्थाएं कांग्रेस के जमाने में बनाए, अस्पतालों में इलाज हुए लोगों के, और बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो कांग्रेस ने बनाए, प्राइमरी स्कूल 30 साल पुराने। इन्होंने नया क्या करा, इन्होंने तो 6 कटोरों की मलाई खाई, अपने चर्चार और प्रचार करे और अपने होर्डिंग लगाए और 7-7, 8-8 गाड़ी बदली करोड़ों रुपए की और विदेश में दौरे करे, 700-700 करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप में लगा दिए, जनता का टैक्स का पैसा यहाँ लगाया। पूनम, आखिरी सवाल होगा, सब कह रहे हैं कि पलायन का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, कांग्रेस का कौन सा मुद्दा होगा? देखिए, कांग्रेस जो है हिंदू मुस्लिम नहीं करती, कांग्रेस सभी की पार्टी है। कांग्रेस जो विकास चाहती है, लड़कियों को सशक्त बनाती है, लड़कियों को उनके अधिकार को करती है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी खत्म करना चाहे कांग्रेस, किसानों का कर्जा माफ करना चाहे जैसे 73 लाख करोड़ का करा अपने जमाने में, ठीक इसी तरीके से वो कांग्रेस जो है सब किसानों के लिए सोचती है, रोजगार के लिए सोचती है, विकास के लिए सोचती है। हिंदू मुस्लिम पर सोचने को ये हमने छोड़ रखे, यही सोच लेंगे। इस बार फेल हो गया हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में, फेल हो गया, जब तो सारे हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, जब तो किसान आंदोलन सफल रहा, अगर ये हिंदू मुस्लिम इनका सफल होता तो किसान आंदोलन सफल नहीं होता। किसान आंदोलन इसलिए सफल हुआ कि हिंदू मुस्लिम फेल हो गया, सबको पता किसान है एक है, सभी मजहब जाति से अलग उठ के किसान है, फिर भी बीजेपी के लिए किसान हमारे साथ है, अभी किसानों के लिए हमने काम किया। इन्होंने सर्टिफिकेट बांटे होंगे किसानों के, हमारे घर तक आए ना वे सर्टिफिकेट। पूरे गांव में देखिए समय मुझे बहुत कम मिला, ठीक है, तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मुझे पूरे गांव घूमने का मौका नहीं मिला। अनुरोध करती हूँ आपसे, अपने रिश्तेदारों को सियाना विधानसभा में जितने भी हैं सभी को उन्हें भी फोन करें, गांव वालों को भी बोले, गांव में भी फोन करें, गांव के भाइयों को जोड़ करके मुझे वोट करा, मैं अनुरोध करती हूँ आपसे, ठीक है भाई।